भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अफगानिस्तान में महिलाओं का हाल बेहाल। महिलाओं की स्थिति पहले ही अफगानिस्तान में कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से तालिबान ने शासन की बागडोर संभाली, महिलाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। तालिबान शासन ने महिलाओं पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अब इसी क्रम में तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया। फरमान के मुताबिक जो भी महिला पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने के मामले में दोषी हुई तो उसकी पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी जाएगी। बेरूत सीरिया में एक बार फिर हवाई हमले हुए। मंगलवार को पूर्वी सीरिया में हुए सिलसिलेवार हवाई हमलों में एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए, जिनमें एक ईरानी सैन्य सलाहकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम करने वाली टीम का एक सदस्य भी शामिल था। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। बाल्टीमोर पुल से टकराने वाले कंटेनर जहाज पर चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे। शिपिंग मैनेज करने वाली कंपनी ने इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि मंगलवार तड़के बाल्टीमोर में एक बड़े पुल से टकराने के कारण जहाज टूटकर नदी में गिर गया, जिसके चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय हैं। शिप मैनेजमेंट कंपनी सिनर्जी मरीन ग्रुप ने अपने एक बयान में कहा कि दो पायलटों सहित चालक दल के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नामदेव उसेंडी ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नागपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी में उनका भव्य स्वागत किया है। मुंबई से सटा मीरा रोड इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहां 11 वर्षीय बच्चे का पीछा कर उसे जबरन अल्लाह हू अकबर के नारे लगवाए जाने का मामला सामने आया। इसके अलावा बच्चे की पिटाई की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया का आगाज किया जा चुका है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव में सभी की नजर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर टिकी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुधवार से अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि सीएम योगी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज मथुरा से करेंगे। नोएडा के सेक्टर 32 डंपिंग ग्राउंड में लगी आग 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी धधक रही है आग। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां करीब 300 से ज्यादा चक्कर लगाकर पानी का छिड़काव कर चुकी है, लेकिन अब भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग के कारण निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके को गैस चैम्बर में तब्दील कर रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में अज्ञात व्यक्तियों ने एक रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान न्यू उस्मानपुर निवासी 32 वर्षीय संजय के रूप में हुई है। संजय इलाके में गोवा बार नाम के एक रेस्टोरेंट का मालिक है। उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में अब रंग पंचमी के दिन श्रद्धालु अपने साथ रंग नहीं ले जा सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक होली के दिन भस्म आरती के समय आग लगने की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया। इस संबंध में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जंगली हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नरसिंहपुर गांव के करीब जंगली हाथी के हमले में रामसूरत गौड़ 65 वर्षीय की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इमरका डांड गांव निवासी रामसूरत गौड़ सोमवार को होली मनाने के लिए अपने रिश्तेदार के घर नरसिंहपुर गांव गए थे।